हेलो नमस्कार लाइटनिंग प्रोटेक्शन अरेस्टर्स एल जिसे हम लाइटनिंग अरेस्टर भी कहते हैं एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू तो एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेफली ग्राउंड तक हम पहुंचा देते हैं इसका उपयोग हम अपने बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग रेस्टोरेंट होटल स्टोरेज एरिया के ऊपर लगाते हैं जिसमें लाइटनिंग को इजिली हम ग्राउंड तक डिसिपेट कर सके लाइटनिंग स्ट्राइक्स क्या होता है ये लाइटनिंग स्ट्राइक इज ए सडन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है जो कि थंडर के टाइम पर एक विजिबल फ्लैश ऑफ लाइट और हमें साउंड सुनाई पड़ती है ये कब होता है जब दो क्लाउड के बीच में या विथ इन द क्लाउड जो एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो न्यूट्रल होने ग्राउंड तक आते हैं सो तो हमें ये लाइटनिंग दिखाई पड़ती है क्यों होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज जो बिल्डअप होता है एंड इन द क्लाउड या थ्रो द ग्राउंड या चार्ज सेपरेशन के चलते या इलेक्ट्रोस्टेटिक डिस्चार्ज के चलते या रिटर्न स्ट्रोक के चलते एक्सेसिव चार्ज डेवलप होते हैं वही लाइटनिंग के फॉर्म में ग्राउंड तक आते हैं ये कहां, -कहां हो सकता है ये सभी जगह हो सकता है ग्राउंड में हो सकता है बिल्डिंग्स पे गिर सकता है ट्रीज पे गिर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिर सकता है और गिरने के बाद क्या है एक्सेसिव एनर्जी है हाई एनर्जी है सो हैविंग हाई वोल्टेज एंड टेम्परेचर सो इसके चलते फायर हो सकता है कोई एक्सीडेंट एक्सप्लोसिव एक्सीडेंट भी हो सकता है ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स ये ह्यूमंस एज वेल एज इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट देता है जैसे डायरेक्ट इंजरी हो सकती है बर्न हो सकता है न्यूरोलॉजिकल टिश्यू डैमेज हो सकती है फायर हजार हो सकता है प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है कंप्यूटर हुआ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हुआ घर के वो डैमेज हो सकते हैं आदमी की जान का भी खतरा है सॉफ्टेब जनरेट करता है जिससे घरों की दरवाजे खिड़कियां भी नुकसान कर सकती हैं सेकेंडरी इफेक्ट है, है जैसे लैंडस्लाइड हुआ भूस्खलन हुआ डैम का नुकसान होना ये सब भी है एटर इन्वायरमेंट इंपैक्ट जैसे इकोलॉजी को डिस्टर्ब करना बायोडाइवर्सिटी को लॉस करना ये सब भी इसका इम्पैक्ट है लाइटनिंग स्ट्राइक्स के हजार से बचने के लिए हम लोग लाइटनिंग प्रोटेक्शन अरेस्टर्स लगाते हैं ये किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है लेट सी सो फर्स्ट वन इज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इसका जो पाथ है वो लीस्ट रेजिस्टेंस को जिसमें करंट इजली फ्लो कर सके तो इसमें जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो कॉपर या एलमिनियम का यूज करते हैं सेकेंड वन इज द एयर टर्मिनल या हम इसे लाइटनिंग रार्ड भी कहते हैं इसको हम लोग हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्डिंग के हाइएस्ट पॉइंट पर लगाते हैं जिससे क्या हो कि लाइटनिंग इस पे इंटरसेप्ट कर सके इजिली और इसको राड को हम कंडक्टर से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेफली ग्राउंड तक पहुंचाते हैं थर्ड वन इज द कंडक्टर्स कंडक्टिव मटेरियल्स जैसे हम उसको या कंडक्टिव मटेरियल सच एज लाइटनिंग कंडक्टर्स आर केबल्स हम यूज करते हैं जो एयर टर्मिनल को ग्राउंड सिस्टम तक कनेक्ट करता है इसमें बेसिकली हम लोग जो यूज जो मकसद होता है कि लाइटनिंग स्ट्राइक करे और ग्राउंड तक जाए और मिनिमम रिस्क कोई रिस्क ना हो कोई डैमेज ना हो सिस्टम को स्ट्रक्चर को या बिल्डिंग को नेक्स्ट वन इज द ग्राउंडिंग सिस्टम ग्राउंडिंग सिस्टम क्या करता है एक लो रेजिस्टेंस का पाथ प्रोवाइड करता है कि लाइटनिंग करंट इजिली डिसिपिएट हो जाए अर्थ में ये बेसिकली हम इसमें कॉपर या कॉपर क्लैड रॉड इनसाइड डीप ग्राउंड में हम इसे डालते हैं और कनेक्टिंग उसको हम कनेक्ट कर देते हैं लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम को या एयर टर्मिनल को थ्रू कंडक्टर मटेरियल्स एज वेल एज हम इसमें सर्च प्रोटेक्शन या कंप्लायंस विथ स्टैंडर्ड करते हैं Types के होते हैं. Self non and जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि सेल्फ प्रोटेक्शन में ऐसा डिजाइंड होता है इनका इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कि विथआउट रिक्वायरिंग एडिशनल एक्सटर्नल प्रोटेक्शन ये सेल्फ में काम कर लेता है जैसे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर्स एम या जीडीटी मींस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू जो एक्सेसिव चार्ज है वो डायरेक्ट ग्राउंड तक पहुंचाते हैं बेसिकली सेल प्रोटेक्शन को हम लो रिस्क एरिया में यूज करते हैं एंड जो नॉन आइसोलेटेड प्रोटेक्शन है उसमें हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम को विथआउट एनी आइसोलेशन हम ग्राउंड कर देते हैं इसे हम बेसिकली रेजिडेंशियल या कमर्शियल या इंस्ट्रूमेंट या पैनल में यूज करते हैं नेक्स्ट फाइनल वन व थर्ड वन इज द आइसोलेटेड प्रोटेक्शन आइसोलेटेड प्रोटेक्शन में क्या करते हैं हम जो इलेक्ट्रिकल uh, चार्ज है एक्सेसिव उसको आइसोलेशन वे में हम ग्राउंड तक ले जाते हैं ये हम कहाँ करते हैं इस इस सिचुएशन में हम करते हैं जैसे हमारा डाटा सेंटर हुआ टेलीकम्युनिकेशन सेंटर हुआ या पेट्रोलियम स्टोरेज एरिया हुआ जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क है हाई रिस्क एरिया में हम आइसोलेटेड प्रोटेक्शन यूज करते हैं आइए देख लेते हैं कैसे इसके आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम में जो लाइटनिंग है वो स्ट्राइक किया और इसका इंटरनल एक्सट्रक्चर एमओबी या जीडीटी लगे हुई है जिसके थ्रू वो ग्राउंड को डिसिपेट हो गया एंड नाइन आइसोलेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम में एयर टर्मिनल या लगा हुआ है, के ऊपर या या लाइटनिंग को स्ट्राइक नहीं करने देते हैं उसके पैरल में हम लाइटनिंग अरेस्टर लगा देते हैं और हम ये फोर्सफुली लाइटनिंग को यहाँ स्ट्राइक करवाते हैं और थ्रू कंडक्टिव मटेरियल्स हम उसे ग्राउंड कर देते हैं अब लाइटनिंग आइसोलेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम में ये कैसे काम करता है रोलिंग स्पेयर के मेथड से या प्रोटेक्शन एंगल के मेथड से हम उसे आइए देख लेते हैं आईई सी सिक्स टू थ्री जीरो फाइव एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसको हम फुल फॉर्म में कह सकते हैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन आईई सी जिसका इंटाइटल्ड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग जो कि गाइडलाइंस और रिक्वायरमेंट देता है कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम्स को कैसे डिजाइन किया जाए कैसे इंस्टॉल किया जाए और कैसे उसको मेंटेन किया जाए सो so, हमारा जो आइसोलेटेड जो सिस्टम है आइसोलेटेड लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम है उसमें रोलिंग स्पेयर मेथड को आई सी आई ई सी सिक्स में डिस्क्राइब किया गया है क्या डिस्क्राइब किया गया है कि पहले हमें तो डिफाइन करना है प्रोटेक्शन जोन का रोलिंग स्पेयर मैथड से हम प्रोटेक्शन जोन अराउंड स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि रोलिंग स्पेयर का रेडियस क्या है रोलिंग का जो रेडियस है वो बेसिकली हाइट एंड शेप ऑफ द स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि रोलिंग स्पेयर कैसे काम कैसे क्या रेडियस क्या है और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे असेसमेंट ऑफ जोन कवरेज किस किस जोन को कवर करता है अगर रोलिंग स्पेयर यहाँ बन रहा है हमने लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम और रोलिंग ये ये बन बन रहा है, अगर इस, इस, इस बन रहा है है अगर अगर इस को हम रोल करते हैं तो स्पेयर रोल होकर यहाँ आ गया सो तो अगर जहां जहां ये स्पेयर है ये हमारी लाइटनिंग है वो स्पेयर में ही स्ट्राइक करेगी आउटसाइड द स्पेयर मीन ये एरिया ये एरिया हमारा क्या है सेफ जोन में आता है फिर उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ एयर टर्मिनल हमें एयर टर्मिनल कहाँ कहाँ लगाने हैं एज पर रोलिंग स्पेयर मेथड के हिसाब से फिर उसके बाद डिजाइन ऑफ डाउन कंडक्टर्स एंड ग्राउंडिंग हमें कैसे करनी है यह हमारा आईईसी फाइव बताता है सिमिलरली जो हमारा आईई सी सिक्स टू थ्री जीरो फाइव वो प्रोटेक्शन एंगल मैथड को भी डिस्क्राइब करता है वो describe करता है कि अगर हमारा कोई बिल्डिंग हुआ या storage area हुआ, तो हमने वहाँ एक ही अगर lightning arrester लगाया है, तो वो किस एंगल पे हमारे को को या system को cover करेगा। जैसे अगर कॉमनली देखा जाए तो 30 टू 45 फाइव डिग्रीज पर अगर कोई लाइटनिंग प्रोटेक्शन लगा हुआ है तो वर्टिकल से उसके 30 या 45 डिग्री तक एरिया को वो क्या करता है लाइटनिंग से बचाता है हां लाइटनिंग प्रोटेक्शन लाइटनिंग होने से बचाता है मीन्स वो एरिया हमारा क्या है सेफ जोन में है सो फॉर मोर डिटेल्स आई विल रिकमेंड कि आप सिक्स टू थ्री जीरो फाइव के सारे पार्ट पढ़ें और लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम को फुलफिल करें थैंक्स फॉर वॉचिंग